अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको इन चिक्स के पेरेंट्स से मिलाऊंगा इस वीडियो में, तो आज इंशाल्लाह आपको इनके पेरेंट्स से देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं इनको यहाँ पे खोल देता हूँ। बाहर आ जाओ, तुम दोनों भी आ जाओ। एक उधर ही रह गया, उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा, नज़र नहीं आ रहा क्या? यहाँ से खोल देता हूँ। ठीक है, ये भी बाहर आ गया। तो गाइस, इनको थोड़ी देर में घूमने देता हूँ ताकि ये कुछ खा पी लें, क्योंकि अगर मैंने उनको इनके पेरेंट्स को भी यहाँ पे छोड़ दिया तो वो सब कुछ खा जाएंगे, इनका दाना, वो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। इनके पेरेंट्स आ चुके हैं, तो आइए मिलते हैं इनके पेरेंट्स से। ये इनके पेरेंट्स, छोड़ दो इनको यहाँ पे, इसको भी छोड़ दो। अच्छा, तो ये हैं इनके पेरेंट्स। मज़े की बात यह है कि उस मुर्गी को नहीं पता कि ये इसके चूज़े हैं, और ना ही चूज़ों को पता है कि ये मेरी माँ है, तो इसलिए ये इनको कभी कभी मारती है। इसी वजह से मैं इनको एक सेपरेट केज में रखता हूँ। ये पेयर मेरे पास काफ़ी टाइम से, और ये काफ़ी अच्छा पेयर है, और इसके काफ़ी सारे एग्स जो हैं वो मैंने इनक्यूबेटर में हैच किए हैं। मोस्टली 80 to 90% इसके अंडे जो हैं वो फर्टाइल होते हैं। मुर्गी के नीचे नहीं रखता मैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा आजकल, और ये फर्टाइल भी नहीं होती। अगर फर्टाइल हो भी जाएँ तो गर्मी से या चूज़े मर जाएंगे या फिर मुर्गी मर जाएगी, जितनी आजकल गर्मी है। और मुर्गा जो है उनको कुछ नहीं कहता, वो अपने खाने में लगा रहता है, वो इनको कुछ नहीं कहता, लेकिन मुर्गी इनको मारती है अक्सर। इसी वजह से इनको बाद में लाया था, क्योंकि मुझे पता था जो फीड होगी ये सारी खा जाएंगे और उनको नहीं खाने देंगे, इसलिए मैंने चूज़ों को पहले फीड डाल दी थी ताकि वो खा लें, फिर बाद में अगर ये खा भी लेते हैं तो कोई इशू नहीं होगा। तो गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।